हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास एक और नया प्रोडक्ट आया है बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक्स टू ऑलमाइटी कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आते हैं अब और हम इनके अनबॉक्सिंग करते हैं। तो आज के वीडियो में हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग के बड्स लाइव का, जो कि एक वायरलेस एयरफोन है सैमसंग की तरफ से। तो आज हम इसी की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे बॉक्स कंटेंट क्या क्या है इसमें, इसका प्राइस, और आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मिलेगी। तो ये देखिए, आपके सामने है सैमसंग बड्स लाइव। तो फिर मैं सारी स्पेक्स इसके बताऊंगा। तो और एक बात फ्रेंड्स, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, ये हमने अपने पैसे से लिया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक करें। जैसे कि मैं आपको रोज़ बताता हूँ, प्लीज़ बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने सैमसंग का बड्स लाइव। ये देखिए, ये ब्लैक कलर में हमने लाया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें ब्रांड सैमसंग एंड इसका जो मॉडल नंबर है SMR180, ये लिखा हुआ है। एंड हम पहले सबसे पहले ये देखिए, बॉक्स वाइट बॉक्स मिलता है इसमें आपको। एंड बाकी यहाँ पे लिखा है मेड, मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुआ है ये देखिए, ये वियतनाम है। डिज़ाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाई सैमसंग इन वियतनाम। और इसका जो प्राइस है वो है 15,990। ये आपको अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पे मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप इसको थोड़ी सी कम प्राइस में ले सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे सारा बार कोड, सीरियल नंबर एंड ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। एंड अब मैं आपको कुछ इसके फीचर्स बताता हूँ। ये एक ब्लूटूथ वायरलेस बड है एंड गैलेक्सी बड्स लाइव, सैमसंग गैलेक्सी बड्स लाइव नाम है इसका। एंड साउंड इज़ बाई AKG, इसका जो साउंड है वो है बाई AKG। तो इनका जो है सैमसंग के साथ कोलैबोरेशन है। तो एक्चुअली जो है AKG के आपको एयरफोन्स नोट के साथ मिलते थे, और आपके गैलेक्सी फोन जो इनका फ्लैगशिप फ़ोन है सैमसंग का, उनके साथ मिलते थे। तो इसलिए ये साउंड बाई AKG लिखा हुआ है। ये ब्लूटूथ है। एंड बाकी कंपेटेबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, आईफोन 7 और लेटर मॉडल्स, उससे नीचे वाले मॉडल्स के साथ ही कनेक्ट नहीं होता। एंड बाकी सारे जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसके साथ ही कनेक्ट होता है। एंड बाकी यहाँ पे कुछ इसमें फीचर्स लिखे हुए हैं, इसके एर्गोनॉमिक फिट, एंड सेकेंड वन इज़ 66 to 21 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप अकॉर्डिंग टू योर प्ले टाइम। आप कैसे यूज़ करते हैं उसी हिसाब से इसका जो प्ले बैक टाइम है वो है 6 to 21 आवर्स। ट्रिपल मिक फॉर क्लियर कॉल। तो आप इसमें आपको मिलता है 3 मिक आपको इसमें मिलते हैं, ताकि जो इसका साउंड है वो आप क्लियरली सुन पाएँ। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, जब भी आप ये यूज़ करेंगे तो नॉइस कैंसिलेशन इसमें ऑलमोस्ट मतलब ऑल द टाइम इसमें एक्टिव ही रहता है। तो अब बाकी करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। डू नॉट एक्सेप्ट इट इफ़ सील इज़ ब्रोकन। तो इस चीज़ का आप प्रॉपर ख्याल रखेंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे जो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन है, मैं बोलना नहीं चाहता, बट इन सारे ब्रांड्स की जो है ऑनलाइन शॉपिंग एप्स जो है, इनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा चोरी कर रहे हैं, इनके सेलर्स फेक हैं, तो ये प्रॉपरली नहीं दिख रहे हैं। तो इसका जो सील है हमने खोल दिया है। एंड इसके दोनों तरफ से आपको सील मिलती है। सो इसकी जो सील है वो ओपन हो चुकी है। एंड हेयर इज द बॉस। सो यहाँ पे आपको कुछ ये समझ नहीं आ रहा अभी इसमें क्या है, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे इसको निकालने की, क्योंकि इसका बॉक्स जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कंपैक्ट रखा है इन्होंने। एंड यहाँ पे आपको कुछ पेपर वर्क मिलते हैं, और इसमें इन्होंने बड़ा सजा के रखा है सैमसंग ने। तो ये इसका गाइड है, यूज़र गाइड, वारंटी कार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड है इसके साथ आपको मिलता है। इसमें आपको सब कुछ लिखा हुआ है, एयरबड्स लेफ्ट राइट, USB केबल, चार्जिंग के लिए आपको क्या यूज़ करना है क्या नहीं। तो रखते हैं इसको साइड में, इसका वारंटी कार्ड है, ये चीज़ें आप संभाल के रखिएगा जब तक इसकी वारंटी ख़त्म नहीं होती। एंड
ये देखिए, साथ ही एक और चीज़ मिल रही है इसके साथ आपको, हेयर इज़ द USB केबल। ये देखिए टाइप सी केबल आपको इसमें मिलता है चार्जिंग के लिए, एंड यहाँ पे आपको कुछ दो रबर्स मिलते हैं। ये हमने प्रॉपरली देखने, ये शायद ईयरबड्स के हैं, ये रखते हैं साइड में। तो ये देखिए काफ़ी वज़नदार है, सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये साउंड बाय AKG? वाओ, यकीन नहीं आता कि मतलब हाथ में उठाते ही आपको ये पता चलेगा कि एक ब्रांडेड चीज़ जो है वो होती कैसे है, एक ब्रांडेड चीज़। तो हाथ में उठाने से ही आपको पता चलेगा कि एक ब्रांडेड चीज़ कैसे लगती है। तो बॉक्स जो है इसका मैंने अभी बंद रखा है, एंड अभी आप देखिए ये बड्स है, ये वाला राइट हैंड लेफ्ट, यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि इसकी अभी बैटरी जो है कम है। तो इसका जो कलर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो है मिस्टिक ब्लैक, ये प्रॉपर ब्लैक नहीं है, मिस्टिक ब्लैक है, एंड इसमें बहुत ज़्यादा शाइन है। ये आप देखिए इसमें बहुत ज़्यादा शाइन है, आपको मैं क्लोजली दिखाता हूँ। ये ऐसे बॉक्स बंद होता है इसका, वो तो आपको पता ही है। एंड ये वाली केबल आपको चार्जिंग यहाँ से करनी है, इसको चार्ज आपको यहाँ से करना है। तो रिकमेंडेड केबल तो यही है, ये आपको संभाल के रखनी है। तो अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, सैमसंग का प्रोडक्ट है, तो ये मैं अपनी पर्सनल सजेशन, ये मुझे अपनी पर्सनल सजेशन है कि सैमसंग और एप्पल, ये दोनों ब्रांड्स अगर क्वालिटी के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। ये हाथ में उठाने से ही आपको पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी कैसे है। 15,000 का प्रोडक्ट है तो क्वालिटी तो आपको पता ही है कि कैसी होनी चाहिए। बाकी ऑलमोस्ट ये प्रोडक्ट बहुत ही परफेक्ट है। यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं सैमसंग लिखा हुआ है, सैमसंग एंड साउंड बाय AKG, इसका साउंड भी हम ट्राई करेंगे। एंड बाकी यहाँ पे छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन वो, तो फ्रेंड्स साथ ही में इसमें आपको दिखाऊंगा कि एयर में कैसे फिट होता है और कैसे लगता है, प्लस इसकी साउंड क्वालिटी भी चेक करेंगे एंड देखेंगे कि साउंड इसमें कैसे आती है, तो रिकमेंडेड प्रोडक्ट है कि नहीं। तो ये साउंड, इसका साउंड चेक के बाद ही आपको पता चलेगा। मैं एक कोई म्यूज़िक प्ले करता हूँ फिर देखता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कनेक्ट इट एंड लेटर, तो अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ सबसे पहले। लेट अस सी, ये देखिए बड्स लाइव, और इस पर क्लिक करेंगे एंड देखिए आई एम पेयरिंग इट, एंड ये पेयर हो गया। अभी देखिए ईयरबड्स 7% एंड केस में जो है अभी चार्जिंग है 27%, एंड अभी मैं इसको ऑनली दिस टाइम करता हूँ। गैलेक्सी वेरिएबल, तो इसमें आपकी वॉच जो है वो कनेक्ट होती है, एंड आपकी ये जो है ये कनेक्ट हो। डाउनलोड सॉफ्टवेयर ईयरबड्स लाइव, अभी सॉफ्टवेयर इसका डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं इसका। एंड यू आर डन हियर, एग्री, हेलो, तो ये सारा आपको अलाउ करना पड़ेगा, तभी आप कॉल्स पिक कर सकते हैं एंड बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो पिक कर सकते हैं। ओके, गॉट इट, यू आर ऑल सेट एंड यू आर डन हियर। अब मैं इसको कनेक्ट करके देखता हूँ कुछ एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। तो लेफ्ट 9% एंड केस चार्जिंग इट्स शोइंग 26%, अभी 27 था। तो ओके, देखते हैं। तो अब इसका साउंड चेक करते हैं एंड देखते हैं कि तो फ्रेंड्स अभी मैं इसकी जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ था ये कैसे काम करता है, जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपको वहीं पे ऑप्शन आता है सॉफ्टवेयर के टाइम, जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो उसी टाइम आपको ये ऑप्शन क्लिक करना पड़ता है कि आप नॉइस कैंसिलेशन रखेंगे या नहीं। तो वहाँ पे आपको आज ये है ईयरबड्स, इसमें आपका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा।
एंड अगर इसके रेंज की बात की जाए, तो अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं तो इसकी जो रेंज है 60 फीट से 30 फीट तक, डिपेंड अपॉन कि आप कॉल कर रहे हैं या म्यूज़िक चला रहे हैं। तो म्यूज़िक का जो है वो 60 फीट है, एंड जो कॉलिंग है तो वो 30 फीट तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपका फ़ोन 30 फीट दूर होगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कॉलिंग कर सकते हैं, एंड म्यूज़िक का 60 फीट तक। तो ये इसमें कुछ चीज़ें हैं, एंड आपको पता ही है कि ये टच वाले हैं इनमें। और थर्ड थिंग इसकी, इसमें आपको यूजिंग द एयरबड्स विद टच, इसमें आपको ये जो आपको टच कंट्रोल इसमें मिलता है, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। आप मैंने इसीलिए आपको बोला कि यूज़र मैनुअल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। सिंगल टच पे प्लान पॉज, यहाँ पे ट्रैक को कर सकते हैं आप। डबल टच पे प्ले नेक्स्ट ट्रैक, आंसर और एंड ए कॉल, डिपेंड करता है। जब आपको कॉल आएगी, आप डबल टच करेंगे तो आपका कॉल पिक हो जाएगा, या आप डबल टैप करेंगे इस पर आपकी कॉल जो है वो कट जाएगी। ट्रिपल टच पे प्ले प्रीवियस ट्रैक, जो पिछला वाला ट्रैक है वो ट्रिपल टच पे आपको वो चल जाएगा। टच एंड होल्ड एक्टिवेट ए प्रीसेट फीचर, डिफॉल्ट लॉन्च एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन एंड डिक्लाइन ए कॉल। ये आप जब आप इस पे होल्ड करेंगे, पहले टच करेंगे एंड उसके बाद होल्ड करेंगे, एक तो ये प्रीसेट फीचर पे आ जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा, एंड दूसरा कॉल जो है वो कट हो जाएगी, यानी कि डिक्लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये वाली ऐप जो है यूज़ करनी है, गैलेक्सी वेरिएबल ऐप। तो ये थे इसके कुछ फीचर्स, बाकी आपको पता ही है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो अगर फिट की बात की जाए तो एयर फिट ये बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप ये आपके कानों को पूरा बंद नहीं करता है, ताकि आप बाहर वाली आवाज़ जो है वो सुन नहीं पाएंगे, आप इजीली वो भी सुन पाएंगे, एंड ये कानों पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। तो इस चीज़ का एक मैं साथ ही बता दूँ, इस चीज़ का एक फ्ला है, वो ये है कि एयर फिट तो ये आराम से हो जाता है, बट इसमें चीज़ क्या है कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हल्की सी स्पेस रह जाती है, ताकि आपको बाहर वाली साउंड तो बिल्कुल आराम से सुनाई देगी। और एक और चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी, जो एयरबड्स होते हैं जो पूरे कान में बंद होते हैं, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम होती है कि आप बाहर वाली आवाज़ नहीं सुनते हैं, उसमें भी बड़ी दिक्कत आती है। फिर ये एक हिसाब से अच्छा भी है, एंड नॉइस कैंसिलेशन के हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर नहीं भी होगा इसमें नॉइस कैंसिलेशन तो कोई ज़रूरत भी नहीं है इस वाले डिज़ाइन में। तो ये थे इसके कुछ फीचर्स, बाकी इसका जो प्राइस रखा गया है वो है 15,999, एंड आपको ये अभी अगर आप सेल पे लेंगे तो ये आपको कम प्राइस पे मिलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिलेगी, आप वहाँ से ले सकते हैं कम प्राइस में। एंड दूसरी चीज़, इसमें आपको दो तीन कलर्स मिलते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप पे। एट द एंड मैं बताऊँगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, अगर आप लेना चाहेंगी तो मैं श्योरली बोलूँगा कि आप यही लें, और कोई ब्रांड लेने से अच्छा है कि आप सैमसंग के एयरबड्स लाइव लें। फीचरस हैं और बड़ी ब्रांड के हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप ये लें। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक करें, एंड मेरे सारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।